हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पूर्व। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर होने वाली है। जी हाँ, हमारे चैनल पर आ गया है एक और ब्लूटूथ स्पीकर, और ये आता है यार मीवी की तरफ से। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं ये हमारे चैनल पर दूसरा ब्लूटूथ स्पीकर है मीवी की तरफ से। तो एक्साइटेड तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हूँ, और देखते हैं यार क्या प्राइसिंग है, कैसी स्पेसिफिकेशन है और क्या इसे परचेज करना एक सही डिसीजन रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर देना दोस्तों। चले देर की इस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी बॉक्स पैकेजिंग की, तो आप देखेंगे यहां पर मीवी की ब्रांडिंग आपको मिलती है। फ्रंट साइड में आपको कुछ लुक्स देखने के लिए मिल रही है इस स्पीकर की, और यार सच मानिए काफी ज्यादा प्रीमियम यहां पर ले लग रहा है। बाकी तो दोस्तों इन हैंड फील्ड देखते हैं कैसा लगता है ये स्पीकर। नीचे यहां पर इसका नेम लिखा गया है रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर, और कुछ डिटेल्स मेंशन है जैसे 5 वोल्ट एसडी साउंड, 24 आवर्स प्ले टाइम, ब्लूटूथ 5.0। सो राइट साइड में लिखा गया है इंजीनियर एंड मेड इन इंडिया, जो कि काफी यार अच्छा लगता है। बैक साइड में इसकी काफी सारी डिटेल्स मेंशन है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फटाफट से देखते हैं बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैकेजिंग की गई है इस ब्लूटूथ स्पीकर की। और दोस्तों फ्रंट साइड में सबसे पहले हमें एक एनवलप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर लिखा गया है पुश द लिमिट्स। तो यस, अब देखते हैं, साथ ही साथ आपको एक वेलकम लेटर तो मिलता ही है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 1 ईयर वारंटी रजिस्ट्रेशन। तो आपको जस्ट इसे स्कैन करना है, सब डिटेल्स आपको मिल जाती है। चलिए इसे साइड में रखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों वेलकम लेटर में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है। अंदर देखें तो यार आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे इस साइड आपको फिर से लिखा हुआ मिलता है वेलकम टू द क्रू, और ये कुछ यहाँ पर इस स्पीकर से जुड़ी हुई यूजर मैनुअल आपको मिलती है। कि पैकेजिंग काफी अच्छी की गई है और काफी अच्छा लगता है यार, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और इस अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट करता है किसी भी प्रोडक्ट को तो ये अपने में अच्छी बात लगती है। नेक्स्ट बात करें तो यार आपको यहाँ पर मेन स्पीकर देखने के लिए मिलता है, और यार सच बताऊँ इसकी तारीफ तो मैं बाद में करूँगा, पहले से साइड में रखते हैं और देखते हैं और प्रोडक्ट आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ केबल्स। अब केबल्स की बात करूँ तो यार लेंथ वाइज तो काफ़ी छोटी हैं, बट आपके यूज़ में आ सकती हैं ईजिली। एक आपको यहाँ पर चार्जिंग केबल मिलती है माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी ए, और एक आपको ऑक्स केबल देखने के लिए मिलती है जिनकी क्वालिटी एवरेज है, बट यूज़ में ईजिली है यहाँ पर आने वाली है। अब अगर बात करें अपनी मेन ब्लूटूथ स्पीकर की, तो आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी कमाल का यार ये लग रहा है। सबसे पहले इसके फर्स्ट इंप्रेशन की और हैंड फील की बात करूं तो यार काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बना गया है, डिज़ाइनिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो यार ये ही एक डिज़ाइनिंग होती है जो काफ़ी कमाल की लगती है। तो कुछ अच्छा यहाँ पर अगर ब्रांड करती है अपनी तरफ से तो वो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की और यहाँ पर डिज़ाइन की हम बात कर ही रहे हैं, तो फ्रंट साइड में आपको लोगो देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। कंप्लीट आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, और ग्रिलिंग की अगर बात करें तो प्लस सिंबल को यूज करके बनाया गया है। इसकी मेटल यहां पर यूज किया गया है इसे बनाने में, जो कि काफी ड्यूरेबल इसे बना देता है। अगर मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, होप सो आप समझ गए होंगे। अपर साइड में आपको सभी यहां पर कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, यहां पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिलता है, एलईडी लाइट इंडिकेटर मिल जाती है, प्ले पॉज बटन मिलता है, माइनस बटन मिलता है, प्लस बटन मिलता है, इन्हीं से आप वॉल्यूम अप डाउन करेंगे, ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैप देखने को मिलता है, तो इजीली आप इसे कहीं पर भी हैंग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेफ्ट साइड में एक अलग ही आपको सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है, जहां पर आपको ऑक्सिन और साथ ही साथ यहां पर चार्जिंग के लिए देखने के लिए मिल जाता है, और एक माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है। बॉटम साइड में आपको कुछ ऐसे रबर ग्रिप देखने के लिए मिलती है, तो अगर आप इसे किसी सरफेस पर रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूती से सरफेस पर रखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों इसका साउंड आउटपुट सुनने के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स बता देना चाहता हूँ इस स्पीकर से जुड़ी हुई। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं इसके ऑडियो सेगमेंट से, तो यार आपको यहाँ पर मिलता है 5 वोल्ट का आउटपुट, तो यार ये यहाँ पर चेक करने वाली बात है कि कितनी लाउडनेस आपको यहां पर ये देता है स्पीकर। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहां पर लाउडनेस की बात कर रहे हैं तो यार ये देखना पड़ेगा कि कितने घंटे यहां पर ये चलता है। तो उसके लिए यहां पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटरी में आपको मिल जाती है यहां पर 2000 mAh की बैटरी, और साथ ही साथ यहां पर ब्रांड भी ऐसा बोलती है 24 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाता है, तो यार ये काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 से 4 घंटे आपको लगने वाले हैं, जस्ट आपको 3 से 4 घंटे से चार्ज करना है, उसके बाद 24 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि यार काफी अच्छा लगता है। साथ साथ आगे बढ़े तो कनेक्टिविटी वाइज आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिलता है, जो कि यार काफी अच्छे से यहां पर वर्क करता है। कनेक्टिविटी रेंज की बात करें तो 10 मीटर से, जो कि काफी अच्छे से वर्क करती है। साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको वाटरप्रूफ, शॉक प्रूफ, रेन प्रूफ सभी यहां पर सर्टिफिकेशन मिलते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
ईजिली आप बस मजे लीजिए जिस स्पीकर के साथ, आप आउटडोर पूल पार्टी कीजिए, जिम में ले जाइए, कहीं भी आप जहाँ पर आपका मन करे वहाँ पर इसे लेके जाइए, बहुत आसानी से आपके सभी काम होंगे और कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। साथ साथ कुछ और चीज़ बात करूँ तो बिल्ट इन माइक आपको यहाँ पर मिलता है जो कि ईजिली कॉलिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट वेट मिलता है 204 ग्राम का, लाइट वेट भी काफ़ी है और आप इसे ईजिली अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यार ये थी सभी डिटेल्स स्पेसिफिकेशन इसी मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर की। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका ऑडियो सैंपल और मैं खुद भी इसे यहाँ पर सुनता हूँ और फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और वहाँ पर बताते हैं यार कैसा इसका साउंड आउटपुट आपको मिलता है और क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं। चलिए एंजॉय कीजिए इसका साउंड आउटपुट। सुना ये था कंप्लीट साउंड आउटपुट इसी मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर का। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो डेफिनेटली एक थम्स अप है, आप डेफिनेटली जाकर इसे बाय कर सकते हो। बट रुको यार पहले प्राइस सुनते जाओ। मैंने इसके लॉन्चिंग प्राइस में से बाय किया था तो मुझे यहां पर ये 1000 रुपीज़ के अंदर पड़ा था, बट अभी करंट प्राइस इसका यहां पर 1100 रुपये अप्रोक्स चल रहा है अमेजोन पर। लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। चार कलर आपको अवेलेबल मिलते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर में, चारों ही काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अब मैं इसके यहाँ पर साउंड आउटपुट की बात करूँ तो यार काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड है इसके सभी यहाँ पर हाईज मिड्स लोज, काफ़ी यहाँ पर अच्छे से आप इंस्ट्रूमेंट्स को सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कमाल की बात डिस्टॉर्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, आप चाहे यहाँ पर फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनिए। और एक और बात दोस्तों यहाँ पर इस प्राइसिंग के हिसाब से यार बेहतरीन बेस आपको मिलता है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसके साउंड डिपार्टमेंट में। तो यार मेरी तरफ से थम्स अप है, डेफिनेटली आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हो और काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला गया। साथ साथ प्राइसिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 1000 रुपीज़ 1100 रुपीज़ के अंदर भी अगर आपको ये मिल जाता है अभी तो बहुत अच्छी डील है दोस्तों, डेफिनेटली आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू इसी मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर का। काफ़ी कमाल का स्पीकर है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है, 24 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और यहाँ पर शॉक प्रूफ डिज़ाइन आपको मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर 1000 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक बाइंग ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। और होप सो दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो नहीं किया तो यार वेट किस चीज़ का, यहाँ पर आपको सभी लिंक्स दिख जाएंगे, जाइए फटाफट से उनमें हमें फॉलो कीजिए। अदर वीडियोस के लिंक्स आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन के अंदर मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।